गल नहीं, चलो कोई गल नहीं। अब शाह जैबी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पहली बार मेरे प्रोग्राम में आई, खुशामदीद, वेलकम, तशरीफ रखिए। अच्छा, आपको हजारा की कोयल भी कहा जाता है, बड़े नाम है आपके, खूबसूरत नाम रखे हुए। हजारा की को, हजारा किस तरफ? हजारा है किस तरफ, बताइए तो सही। इस तरफ हजारा पिंडी से आगे, एबटाबाद के करीब, नथिया गली के करीब, हजारा मशहूर जगह है और बहुत अच्छा मौसम, और यहाँ जैसे गर्मी है लेकिन वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं, आप जाएं तो बिल्कुल ठंडे ठंडे हो जाएंगे। हजारा में ना जरूर। तो हजारा की लैंग्वेज में जरा बात कीजिए, हमारे साथ आबिद कश्मीरी साहब मौजूद है। हजारा की लैंग्वेज दसो ना क्या है? जिंदगी मुका छोड़ी तो मैंने छोड़े वो कुछ जरा गुफ्तगू लगता है पानी के बह के गाया गाना बुम बुम भाऊं तुम बुम बुम बुम, ये वो गाना नहीं जो इंडिया की फिल्म में भी है? जी जी वो है, लिखा किसने ये? ये हमारे शायर शबीर कैसर साहब, उनका गाना। शबीर कैसर साहब ये जो भी है, ये हंजू फिल्म थी ना? जी जी ये इसके बारे में, हंजू फिल्म इसके बारे में, पंजाबी फिल्म थी, पंजाबी। इसके बारे में हमें खबर जो मिली थी कि उसका प्यार था वो मिल नहीं सका, फिर उसने जाके उसके उसके जो शादी जहाँ हो रही थी उस बंदे को मार दिया, फिर उसकी उम्र कैद हो गई। तो जज ने इससे पूछा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? उसने कहा हाँ मेरा ये गाना गवा दें। अच्छा फरा दीवा जी, आपको थोड़ा सा ज्वाइन करना चाहूंगी, काफी देर से खामोश हैं। ये बताइए कि शादी के लिए कोई उम्र की कैद होती है? देखिए सबसे पहले तो मैं A+ के बारे में ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स अटेंड किए आप लोग के, यानी कि इनकी शादियां करवाते हो जो मुस्तहिक लोग हैं, कई मैंने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं और ये अलग बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के चैनल पे, आप लोग अच्छे अच्छे। आज भी जो इस प्रोग्राम में मुझे सुबह अर्ली यानी कि रात को लेट नाइट कॉल आई कि बिंदिया की शादी है, तो मैंने कहा अच्छा कितने बजे? कहते सुबह। वो मैं अब क्योंकि मैं थकी हुई थी, मैं नींद नहीं थी, मैं कहा अच्छा सुबह सुबह कौन सी शादी होनी है? तो वो कहते, मैंने कहा कि कहाँ शादी है? कहते हमारे A+। मैंने पूरी बात नहीं सुनी। बहरहाल सुबह मुझे स्टाफ ने मुझे डिटेल्स बताई, तो मैं रात को अलमारी के पास खड़ी हो गई थी कि बिंदिया की शादी है, तो मैं कपड़े देखने के लिए शादी वाले कपड़े, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये यानी कि हमारे बल्कि हमें ये सारी चीज़ें, जब कोई इंसान यानी कि अकेला रह रहा हो तो वो उसका एक हक बनता है कि वो अपना जीवन साथी, यानी कि बहुत वो मुश्किल होता है ये प्रोसेस। जहाँ पे उम्र की बात की, मैं आपको ओवरऑल सारी बात बताऊँगी, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी बात हो, कोई भी ताल्लुक हो, या किसी भी जगह की बात हो, अगर उसमें हर चीज का सच 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 होना तो वो आपको जो मैसेज भी एक सच्चाई के साथ मिलता है, अगर आप उसको यानी कि बैलेंस में लेके अपनी लाइफ को चलते हो तो अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती हैं और मजीद ब्लेसिंग्स होती हैं। और इसमें मेरे ख्याल से कि आपको अगर अपना कोई जीवन साथी ढूंढना है या आप यानी कि वो आपको कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपना यानी कि शादी कर सकते हो। उम्र सारी चीजें, उम्र की बात है कि वो अगर आपको कोई इस लग, क्योंकि यानी कि ये मेडिकली की मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें भी थोड़ा सा होता है कि आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा फर्क, उसमें भी मेंटली बहुत ज्यादा आपकी यानी कि वो केमिस्ट्री जो होती है ना बहुत मुश्किल होता है, आप लोगों की सोच और आप हर चीज में बड़ा वो आ जाता है, यानी कि डिस्टेंस आ जाता है, तो वो थोड़ा बहुत यानी कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। साल का फर्क होता है। इतने करीब से जिंदगी को देखा है कि केमिस्ट्री के बारे में भी एक सेकंड में पता लग जाते हैं। नहीं आप माशाल्लाह एक यानी कि वो समुंदर हो, आपने लाइफ में बहुत यानी कि वो उतार चढ़ाव देखे, अल्लाह ताला आपकी इस नेक ख्वाहिश को पूरा करे। हाँ। और A+ चैनल के जरिए से आप यानी कि मुझे भी। हाँ। शादी पे बुलाना है भाई, बिल्कुल शादी होगी और ये आज इतनी खूबसूरत लग रही है तो दुल्हन बन के कितनी प्यारी। आपकी शादी हो चुकी है? जी मैं कहा जी नहीं हुई तो फिर नहीं 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 मेरा माशाल्लाह एक बेटा है। A+ प्याज भी करांदा है, ये जरूरी। अच्छा हमें ज्वाइन किया एक साहब यहाँ पे बैठे हैं आबिद कश्मीरी साहब के बिल्कुल साथ, वकार अली खान साहब हैं और ये रिश्ता लेकर आए हैं बिंदिया जी के लिए और फैन भी हैं बिंदिया जी के, तो ब्रेक के बाद हम जानेंगे इनकी कहानी, इनकी जुबानी, रहिएगा हमारे साथ क्योंकि मैं बिंदिया जी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ, नेक शरीफ, प्योर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बच्चे पैदा नहीं करेंगे।